गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 17th ऑफ सितंबर पर पहुंच चुके हैं। आई होप आपके अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपको डेली बेसिस पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर आपसे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एमसीक्यू फॉर्म में पूछी जाती है। यूजुअली होता क्या है, हम लोग मेंस की तैयारी तो अच्छे से करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स के एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना, वो हम जब एग्जाम पास में आता है उससे पहले ही हम सोचते हैं कि मॉक टेस्ट सीरीज को हम लगाएंगे और चीजें हो जाएंगी। बट उसी के कंपेरिजन में अगर आप स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहती है उन कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में जो लास्ट टाइम में जाकर मॉक टेस्ट करते हैं। तो यहां पर कोशिश करें, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो कई बार मेन से भी ज्यादा डाइसी आता है, तो स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप @prince_lutra पे मुझे टेलीग्राम करके पूछ सकते हैं। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नेट ग्रिड के बारे में जानेंगे, आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे, हिंदी दिवस के बारे में डिस्कशन करेंगे, सनस्क्रीन को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा, रेक्स MK2 FCRA UPI को लेकर एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, गगनयान मिशन कोकोस आइलैंड के ऊपर भी एक क्वेश्चन रहेगा, और फाइनली एक क्वेश्चन जो है वो पर्सनैलिटी को लेकर गांधी जी के ऊपर होने वाला है। ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट जो है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इसमें वीकली बेसिस पे आपको एक नया मॉक टेस्ट जो होता है वो दिया जाता है, ताकि आप अपनी ऑल इंडिया स्टैंडिंग जो है, ऑल इंडिया रैंकिंग जो है वो यहां पर देख सके। चलिए चलते हैं जल्दी से जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जहां पर आप अपने टारगेट को सेट करते हैं उसको देख लेते हैं। तो यहां पर जल्दी से मुझे बताएं कितना स्कोर करने की कोशिश करेंगे। यहां पर आप जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 की रखी गई है, तो मुझे बताएं यहां पर आप चाहें तो 10/10 का भी टारगेट सेट कर सकते हैं, 7/10 का भी कर सकते हैं, 2/10 का भी कर सकते हैं, 5/10 का भी कर सकते हैं। बट वैसे पूछेगा मुझसे तो मैं यही कहूंगा कि कट ऑफ से ऊपर ही या उसके बराबर टारगेट सेट करें और फिर उसके ऊपर ही अचीव करने की कोशिश करिएगा। कम भी मार्क्स आते हैं तो ग्रेजुअली उसे इंप्रूव करेंगे। चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि नेट ग्रिड को लेकर है, पूछा कि नेट ग्रिड को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। नाउ पहली स्टेटमेंट कहती है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसने नेट ग्रिड को 2010 में ही क्लियर कर दिया गया था, हो सकता है ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, और इसके अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंक्लूड नहीं किया जाता, ये यहां पे कह रखा है। मैं अभी आपका 10 सेकंड का टाइम पीरियड जो है वो शुरू कर देता हूं, आप सोचिएगा इसके बारे में, फिर मैं आपको इसका आंसर जो है वो बताने वाला हूं। अभी रिसेंटली हुआ क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जा रहा है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इस महीने के मतलब सितंबर महीने 2021 के एंड तक नेट ग्रिड को लॉन्च कर देंगे, और ये नेट ग्रिड जो कॉन्सेप्ट है कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, 2008 से जब 26/11 हुआ था तब से इसको लेकर बात करी जा रही थी, पुरानी गवर्नमेंट भी इसको लेकर बात कर रहे थे और पुराने होम मिनिस्टर जो मिस्टर पी चिदम्बरम थे वो भी इसको लेकर बातचीत कर रहे थे कि इसको लेकर आना चाहिए। 2010 में ही इसको मंजूरी जो थी वो मंजूरी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा 2010 में ही दे दी गई थी। अभी इसको लॉन्च किया जा रहा है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसी महीने के एंड तक हमारे प्रधानमंत्री जो है नेट ग्रिड को लॉन्च कर देंगे। ठीक है, दिस इज नेट ग्रिड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। इसका काम क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। सो इसके अंदर मास्टर डेटाबेस रहेगा, 21 डेटाबेसेस जो अलग अलग एरिया से आएंगे उसको मिलाकर रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी, ताकि टेरर से कंसर्निंग कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होने वाली है उसको न्यूट्रलाइज, उसको काउंटर किया जा सके, इसके कंसर्निंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन यहां पर मिल पाएगी। और इसके अंदर इवन फाइनेंशियल डेटा जो है, डेबिट क्रेडिट कार्ड का डेटा जो है, इमिग्रेशन का डेटा, एयरलाइंस का डेटा, रेलवे टिकट्स का डेटा, टैक्स कलेक्शन, टेलीकॉम, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। ठीक है, सो यहां पर जो डेटा इंक्लूड होने वाला है उसके अंदर आपका जो फाइनेंशियल डेटा है वो भी रहने वाला है। पहली दो स्टेटमेंट्स ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। आईबी जो आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रो जैसी एजेंसी जो है वो इस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, और इनके अलावा काफी सारी दूसरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं वो भी इन डेटा को यहां पर एक्सेस कर पाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि हमने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के बारे में बात करी थी, बताएं इसको हेड कौन करता है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को किसके द्वारा हेड किया जाता है, क्योंकि 2010 में इसी कमेटी ने ही क्या किया था, जो नेट ग्रिड एंड नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड उसको क्लियर कर दिया, क्लियरेंस दे दी थी, ठीक है, कि इसको बनाया जा सकता है। नाउ इसको हेड किसके द्वारा किया जाता है, होम मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसको हेड करते हैं। ठीक है, सो डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डील्स विद द इश्यू रिलेटिंग टू लॉ एंड ऑर्डर,
इंटरनल सिक्योरिटी एंड पॉलिसी मैटर्स विच आर कंसर्निंग टू द फॉरेन अफेयर्स विद द इंटरनल और द एक्सटर्नल सिक्योरिटी इंप्लीकेशन। ठीक है, तो देश के अंदर जो एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी के जो इंप्लीकेशन वाले टॉपिक्स होते हैं, एरियाज होते हैं, इश्यूज होते हैं, उनके साथ डील किया जाता है इस पर्टिकुलर कमेटी के द्वारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर इससे आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो हिंदी दिवस को लेकर, अभी दो दिन पहले ही हमने हिंदी दिवस जो है इसको सेलिब्रेट किया था, तो हिंदी दिवस को लेकर पूछा है कि बताएं इनमें से कौन सा पुरस्कार, कौन सा अवार्ड जो है वो हिंदी दिवस के लिए दिया जाता है। कीर्ति पुरस्कार, गौरव पुरस्कार, स्मृति पुरस्कार, आपको बताना है। 10 सेकंड्स आपके पास हैं। हिंदी दिवस या फिर हिंदी डे कहा जाता है, इट इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द कंट्री ऑन 14th of September एवरी ईयर। ओके, नाउ राजभाषा कीर्ति पुरस्कार एंड राजभाषा गौरव पुरस्कार, दीज आर द टू पुरस्कार्स विच आर अवॉर्डेड टू वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, पीएसयूज, नेशनलाइज्ड बैंक्स, ये हिंदी दिवस के दिन दिए जाते हैं ऐसे पर्टिकुलर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स को, पीएसयूज को, जो कि हिंदी भाषा को प्रमोट करने में, हिंदी भाषा को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले दो करेक्ट हैं, तीसरा जो है वो इनकरेक्ट है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड हिंदी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व हिंदी दिवस जो है उसको भी 10 जनवरी को एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा जो है इसको प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी दिवस से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। उससे पहले एक चीज वैसे मैं आपको और भी बताऊं, हिंदी को लेकर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे दी है, जैसे कि ये एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 351 है वो भी ये कहता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन, तो जो हमारी केंद्र सरकार है उसकी ड्यूटी है ताकि हिंदी लैंग्वेज के को स्प्रेड किया जा सके, हिंदी लैंग्वेज के स्प्रेड को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, देयरफॉर आई मेंशन इट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक और द टॉक्सिक्स इज और आर फाउंड इन सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के अंदर कौन कौन से टॉक्सिक जो है पाए जाते हैं, पहला है ऑक्सीबेंजोन, क्या ये पाया जाता है, हो सकता है, ऑक्सिन ऑक्सेट हो सकता है, ऑक्टिन ऑक्सेट है, देन नेक्स्ट है ऑक्टोक्राइलिन, इनमें से कौन सा टॉक्सिन जो है वो सनस्क्रीन के अंदर पाया जाता है, बताएं जल्दी से क्या आंसर होगा। वैसे ऑक्टोक्राइलिन के बारे में बताऊं, ऑक्टोक्राइलिन सन प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स के अंदर मिलाया जाता है बेसिकली, और ये डिग्रेड हो जाता है बेंजोफेनॉल के अंदर और एक कार्सिनोजन बन जाता है। अगर हम बात करें सनस्क्रीन के अंदर तीनों पाए जाते हैं, और यहां पर कुछ एक्टिविस्ट जो है और साथ ही साथ कुछ पॉलिटिशियंस जो है वो हवाई के अंदर इन तीनों के अगेंस्ट में आवाज उठा रहे हैं कि जो केमिकल्स है इनको बैन करना चाहिए और सनस्क्रीन में इसको ऐड नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, लोग सनस्क्रीन को यूज करते हैं और फिर स्विमिंग करने के लिए जाते हैं और वो जो है हमारा पूरा जो मरीन सिस्टम है, ठीक है, मरीन लाइफ है, तो मरीन लाइफ को वो काफी ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। और ये भी कहा गया कुछ स्टडीज में, तो ये भी पाया गया कि ह्यूमन सेल डैमेज जो है वो भी इनकी वजह से होता है, एट द सेम टाइम कैंसर के साथ भी इनको लिंक किया गया है अलोंग विद डिसरप्टिंग ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है, नाउ आंसर क्या होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है रेक्स MK2, इसको रिसेंटली किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड इट, वेदर इट इज यूएस, चाइना, इजराइल और फ्रांस, क्या होगा आंसर, 10 सेकंड में सोचिए। रिसेंटली एक कंट्री ने बैटलफील्ड रोबोट जिसको कि रेक्स MK2 कहा जाता है, इसे अपने ट्रूप्स को, जो इन्फेंट्री होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए, उसको लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया है। तो यहां पे लॉन्च करने वाली कंट्री है इजराइल, सी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, एक अनमैन्ड लैंड प्लेटफॉर्म के ऊपर चल सकता है, इंटेंडेड टू कीप ट्रूप्स आउट ऑफ द हार्म, तो पहले से ही इंफॉर्मेशन गैदर करेगा जैसे कि ड्रोन करता है, और फिर वो इंफॉर्मेशन जो है ट्रूप्स के साथ शेयर करेगा कि क्या उनको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इट इज नॉट फुली ऑटोनमस क्योंकि इसके अंदर भी जो एक ह्यूमन एलिमेंट है वो रहता है, क्योंकि इसको कंट्रोल जो है वो ह्यूमन के द्वारा किया जाता है, बट इट कैन ड्राइव इटसेल्फ टू अ सेट लोकेशन ऑन इट्स ओन, एक बार आपने यहाँ पे फीड कर दी जगह तो डेफिनेटली वहां तक ये पहुंच जाएगा, ऑब्स्टेकल्स को बाईपास करता हुआ वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, वो शेयर करेगा ट्रूप्स के साथ दैट वेदर दैट पर्टिकुलर लोकेशन इज सेफ और अदरवाइज। आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, कहां से आया है, इजराइल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, उससे पहले एक बार मैं आपको 50 डेज रिवीजन सीरीज जो इसके बारे में बता देता हूं। सो बेसिकली दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स जो कि इस साल एग्जाम दे रहे हैं और स्टैटिक पोर्शन को कवर करना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर द 50 डेज रिवीजन सीरीज, क्योंकि यहां पे आपके मिनिमम पॉसिबल टाइम में जो स्टैटिक पोर्शन है उसको अच्छे से कवर किया जाता है। और वैसे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कम से कम कोशिश करिएगा कि
40-50 मॉक टेस्ट जरूर लगा के जाइएगा, बिकॉज उसके बाद अच्छे से तैयारी हो जाती है। आई होप आप पहले से लगा रहे होंगे, क्योंकि अभी जो लास्ट के कुछ दिन है इसमें आप उतने ज्यादा तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ जो प्रिपरेशन उसके हिसाब से मॉक टेस्ट जो है वो काफी लगाना जरूरी है। आप यूपीएससी मॉक टेस्ट सीरीज जो है इसको भी exam.netmock.com पे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि FCRA को लेकर बात कर रहा है। FCRA को लेकर पूछा गया, बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बेसिकली FCRA को लेकर जो क्राइटेरिया है उसको लेकर पूछा गया, क्योंकि अभी कुछ इन्वेस्टमेंट आ रही थी एनजीओ के लिए और वहां पर गवर्नमेंट ने उसे रिस्ट्रिक्ट किया है कि एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज चाइल्ड लेबर इश्यूज के नाम पर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो पैसा आ रहा है वो हो सकता है गलत कामों पे यूज किया जाए। इसी वजह से FCRA के जो रूल्स थे अभी कुछ 6 महीने पहले इनको कड़ा किया गया था, स्ट्रिक्ट किया गया था। पहली स्टेटमेंट कहती है FCRA को लेकर, आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफिस बीयर। तो FCRA के अंदर जो एनजीओ फंडिंग लेना चाहते हैं उसके लिए ऑफिस बेयर जो है उनके लिए आधार मैंडेटरी है। हो सकता है मिनिमम 5 ईयर एग्जिस्टेंस एंड मिनिमम 50 लाख स्पेंट ऑन कोर एक्टिविटीज। ये क्राइटेरिया दिया गया है कि यहां पर जो एनजीओ हैं उनका 5 लाख का एग्जिस्टेंस का टाइम पीरियड होना चाहिए, 15 लाख ऑलरेडी उनको कोर एक्टिविटीज पे उन्होंने स्पेंड किए होने चाहिए। एनजीओ आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट कमिटमेंट लेटर फ्रॉम देयर डोनर्स। डोनर्स का जो कमिटमेंट लेटर होता है वो भी इनको सबमिट करना पड़ेगा। ये कुछ क्राइटेरिया बताया हुआ है यहाँ पर। 10 सेकेंड्स का टाइम मैं आपको देता हूँ, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। वैसे बताऊं तो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया है द फंडिंग ऑफ सेवरल फॉरेन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज एंड चाइल्ड लेबर इश्यूज। एनजीओ के लिए पहला क्राइटेरिया तो यही है कि यहाँ पे जितने भी ऑफिस बेयरर्स होंगे उनके लिए आधार जो है मैंडेटरी होने वाला है, और यहाँ पर उनको एक कमिटमेंट लेटर जो है वो भी यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके अलावा जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो फंडिंग नहीं ले पाएंगे, ये भी चीज इसके अंदर कही गई थी। और फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम बींग ट्रांसफर टू एनी पर्सन एसोसिएशन दैट इज नॉट रजिस्टर्ड टू एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेने के लिए रजिस्टर होना जरूरी है, और उसके लिए 3 साल का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, 5 साल गलत दिया है यहाँ पर, और 15 लाख स्पेंड करना जरूरी है। जो लिमिट थी कि पहले 50% तक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर किया जा सकता था, उसको भी रिड्यूस करके 20% कर दिया गया। मतलब अब जो अननेसेसरी खर्चे होते हैं, यहां पर अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एनजीओ जो है वो बनाया गया है चाइल्ड एजुकेशन के लिए, ठीक है, तो यहां पे क्या है कि कोर एक्टिविटीज के अंदर आप पैसे खर्च करिए, 80% जो है कोर एक्टिविटीज में खर्च करिए, 20% आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खर्च कर सकते हैं। पहले क्या हो रहा था, 50% की लिमिट थी, तो यहां पर खर्चा ज्यादा हो जाता था, जिस चीज के लिए एनजीओ बनाया गया वहां पर खर्चा कम होता था। तो सरकार ने इस चीज को भी चेंज किया कि पैसा वहीं खर्च करें जिस चीज के लिए आपको बनाया गया और जिस चीज के लिए आप पैसा मांग रहे, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है, विद विच कंट्री इंडिया इज लिंकिंग इट्स फास्ट पेमेंट सिस्टम यूपीआई। अभी इंडिया ने कहा है कि हम अपने यूपीआई को कनेक्ट करेंगे और दूसरी कंट्री में जो पे नाउ है उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यहां पर ये किसके साथ करार किया गया है, सिंगापुर के साथ, जापान के साथ, यूएस के साथ या श्रीलंका के साथ। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मॉनेटरी अथॉरिटी एक पर्टिकुलर कंट्री की, उन्होंने अनाउंस किया एक प्रोजेक्ट कि यूपीआई जो है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, इसको लिंक किया जाएगा पे नाउ के साथ। और ये पे नाउ कहां का है, ये है सिंगापुर का। तो सिंगापुर मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने कहा है कि इन दोनों को लिंक किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कई बार इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, सो बी रेडी फॉर देम, कि अगर ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दीज आर द लो हैंगिंग फ्रूट्स। इसमें स्कोर करना काफी इजी होता है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको ये दिखाया, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इस तरीके के क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर आपको एलिमिनेशन टेक्निक लगानी पड़ती है। तो ये थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें भी फैक्ट्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लग जाते हैं। सो दीज आर नॉट द लो हैंगिंग फ्रूट्स, टाइम भी ज्यादा लगता है इस तरीके के क्वेश्चन में और गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं द लो हैंगिंग फ्रूट्स, इसमें या तो आपको आंसर पता है या नहीं पता है, और अगर एक छोटी सी चीज आपको पता है सीधा 2 नंबर आपके टोटल स्कोर के अंदर एड हो जाएंगे, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है स्कोर करना। खैर चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि गगनयान मिशन को लेकर पूछ रहे, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये 3 इंडियंस को स्पेस में लेके जाने वाला है। हो सकता है इट विल टेक इंडियंस टू लियो। ये लियो क्या है सोचिएगा, फिर बताऊंगा मैं आपको कि क्या यहां पर लेके जाने भी वाला है या नहीं। इट विल हैव बोथ मैन्ड एंड अनमैन्ड मिशन, दोनों मैन्ड अनमैन्ड मिशन इसके अंदर होने वाले हैं। सोचिए अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया है कि हमारे गगनयान मिशन को ये सपोर्ट करेंगे, बेसिकली इसरो को सपोर्ट करेंगे, ताकि जब ये गगनयान मिशन भेजा जाएगा इसको ट्रैक किया जा सके, ठीक है, इसको ट्रैक किया जा सकेगा। कहां से, थ्रू द कोकोस आइलैंड। कोकोस आइलैंड जो है
आपकी ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी है, और वहां से जब इसको ट्रैक करने की परमिशन मिलेगी या ट्रैक करने की फैसिलिटी हमें मिलेगी, तो ये हमारे मिशन के लिए काफी बेहतर रहने वाला है। इंडिया जो है पहले भी फ्रांस और रशिया के साथ कोलैबोरेट कर चुका है अपने गगनयान मिशन को लेकर, जहां पर इन कंट्रीज ने कहा कि हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, इवन आपके जो एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले हैं ना, उनको भी ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग देने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा। तो काफी सारी कंट्रीज आगे आ रही हैं, जिसमें फ्रांस भी शामिल है, रशिया भी शामिल है, और इवन आप ऑस्ट्रेलिया ने भी इसे ज्वाइन कर लिया है, और हमें हेल्प कर रहे हैं हमारे गगनयान मिशन, जो कि कहा जा रहा है 2022 तक भेजा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसमें तीन इंडियंस, जिसमें दो मेल होने वाले हैं एक विमेन होने वाले हैं, इनको भेजा जाएगा, और ये भेजा जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, तो सेकंड शिपिंग भी ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट जो ऊंचाई है इसकी कितनी होती है, इट कुड बी फ्रॉम 160 टू 1000 किलोमीटर। ठीक है, ये जो ऊंचाई है लियो की इतनी होती है, लो अर्थ ऑर्बिट। थर्ड शिपमेंट की बात करें, मैंड अनमैंड दोनों ही मिशन इसके अंदर प्लान किए गए। एक मैन मिशन तो जाएगा जिसमें ये एस्ट्रोनॉट्स आने वाले हैं, एक आपके जो काफी ऊंचे ऑर्बिट होते हैं वहां पर अनमैंड मिशन सैटेलाइट जो है वो भी भेजे जाएंगे। तीनों ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अब क्योंकि कॉकस के बारे में पूछा है तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, लेकिन इससे ये चेक हो जाएगा कि क्या आप अच्छे से क्वेश्चन को सुन भी रहे हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। कॉकस आइलैंड किसको बिलोंग करता है, ये तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। नाउ दिस इज द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं, और ऐसा आपको कई बार क्वेश्चन मिलेगा कि जो 29th क्वेश्चन होगा आपके क्वेश्चन पेपर का, यूपीएससी प्रीलिम्स का, वो क्वेश्चन नंबर 73 को सोल्व करने में हेल्प कर देगा। ठीक है, तो जैसे 8वें क्वेश्चन ने 9वें क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करी, लेकिन ये तो बहुत पास पास थे, वहां पर इतने पास पास नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ कई बार ऐसा होगा जरूर। तो यहाँ पे इजी है, जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को भी गलत किया, इट मीन्स वो एक्सप्लेनेशन को नहीं सुन रहे हैं ध्यान से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर, अभी बताया है पिछले क्वेश्चन में, इट इज एन ऑस्ट्रेलियन एक्सटर्नल टेरिटरी जो कि इंडियन ओशन के अंदर फॉल करती है, और क्योंकि ये इंडियन ओशन के अंदर है तो हमारे जो सैटेलाइट होते हैं, जो हमारे मिशन होते हैं, उनको ट्रैक करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। ये काफी पास फॉल करती है इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा के। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पे देखिए एक बार मैप के ऊपर, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऊपर आपका इंडोनेशिया, सिंगापुर भी आपको दिखाई दे रहा है, ईस्ट टिमोर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज सुमात्रा। यहाँ पे बड़ा करके दिखा देता हूँ, सो दिस इज द कोकोस किलिंग आइलैंड ऑस्ट्रेलिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट अ पर्सनैलिटी, महात्मा गांधी को लेकर क्वेश्चन है कि बताएं इनको लेकर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट, ही ब्रॉट आउट द न्यूज पेपर नवजीवन एंड हरिजन सेवक इन हिंदी, उनके द्वारा दो न्यूज पेपर हिंदी में लाए गए, हो सकता है। ही फाउंडेड द दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा इन 1980 ताकि हिंदी भाषा को साउथ इंडियन स्टेट्स तक लेकर जाया जा सके। 10 सेकेंड्स आपके पास है। हिंदी दिवस को लेकर महात्मा गांधी जी के बारे में भी डिस्कशन हुआ था, और यहां पर उनको लेकर ये स्टेटमेंट दी गई है। तो यहां पर पहले स्टेटमेंट की बात करें तो महात्मा गांधी जो थे, जब वो 1915 में भारत आए थे, जैसे लवासना में 2 साल का आपका भारत भ्रमण होता है, ठीक है, उसी तरीके से इन्होंने भी 2 साल का भारत भ्रमण किया, और 1917 के अंदर पहला चंपारण सत्याग्रह जो था लॉन्च किया, जिसे हम कहते हैं कि केक काटा उन्होंने। केक काटा कैसे, पहले चंपारण, सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद, के ई से खेड़ा। ठीक है, तो 1917 में उन्होंने आए और केक काटना शुरू किया, और फिर 1918 में भी बैक टू बैक दो केक यहां पर काटे। इट मींस 15 से 17 जो उनका पूरा फोकस था वो भारतीयों को समझने में था, भारत को समझने में था, और उन्होंने अपने इस भारत भ्रमण में जब भारत को समझा, ये पाया कि हिंदी भाषा जो है वो एक ऐसी भाषा है जिसके थ्रू मासेस, जनता से जुड़ा जा सकता है। ठीक है, महात्मा गांधी कॉल्ड हिंदी द लैंग्वेज ऑफ द मासेस, ही ब्रॉट आउट टू न्यूज पेपर जिसमें नवजीवन और आपके हरिजन सेवक शामिल थे, और साउथ इंडिया में भी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने यहां पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा जो थी उसकी शुरुआत करी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, दोनों स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर गांधी जी को लेकर ठीक हो जाती है। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अभी मैं आपको जल्दी से रिवाइज कराने वाला हूं इस पूरे लेक्चर को। 30% मोर मटेरियल रिटेंशन के लिए आपको 2 मिनट इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इस एक्टिव रिविजन के अंदर। एक्टिव रिविजन जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूँ, इट मीन क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा जो भी हमने सारे डिस्कस करे हैं, लेकिन आपको जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे उसका तो आंसर करना ही है। उसके अलावा भी जितनी चीजें आपने पढ़ी है इस पूरे लेक्चर के अंदर इस क्वेश्चन को लेकर, वो आपको जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते जाना है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछूंगा तो बताएं मुझे नेट ग्रिड को क्लेरेंस कैबिनेट कमेटी से कब मिली थी, ये मुझे बताएं। वैसे रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करती है, 21 से ज्यादा डाटाबेसिस इसके अंदर रहते हैं, आईबी रॉ जैसी एजेंसीज को भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अभी सितंबर एंड तक कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इसको लॉन्च कर देंगे, 2010 के अंदर क्लेरेंस ऑलरेडी इसको दिया जा चुका था। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को कौन हेड करता है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं इसका आंसर, लाइव कमेंट्स में बताइएगा, नहीं तो अदरवाइज भी कमेंट्स में बता सकते हैं। सो इट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, प्लीज रिमेंबर दैट।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा हिंदी दिवस के अंदर कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, जल्दी से बताएं, क्या गौरव पुरस्कार दिया जाता है, यस और नो, क्या कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है, यस और नो। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सितंबर 14 को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं और दोनों ही पुरस्कार इसके अंदर दिए जाते हैं। सनस्क्रीन को रोकने के लिए एक पहला देश कौन सा था, वैसे मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन में नहीं बताया, फिर भी सोच के बताइएगा। और ये तीनों ही जो यहाँ पे केमिकल है, तीनों को बैन करने की बात यहाँ पर करी गई है, कौन से जगह का नाम मैंने आपको बताया था जहां पर इसको बैन करने की बात करी गई थी, बताइए। यस, हवाई। लेकिन वैसे पैसिफिक नेशन पलाऊ जो है उसने 2020 में ही इसको, कोरल एंड सी लाइफ को बचाने के लिए पहले ही बैन कर दिया था। रेक्स MK2 क्या है और इसे कौन सा देश लेकर आया है, जल्दी से बताएं। तो रिसेंटली इसके द्वारा लॉन्च किया गया ये रोबोट, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इन्फेंट्री को इसराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। फिर हमारा डिस्कशन हुआ था 50 डेज रिविजन सीरीज, जिसको आप exam.netmock.com पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आप दूसरी सीरीज जो है आपकी मॉक टेस्ट सीरीज है उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसके अंदर आप अच्छा स्कोर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा था, जहां पर बात करी थी FCRA को लेकर। FCRA जो है क्या आधार मैंडेटरी है इसके लिए, यस और नो, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। मिनिमम 3 इयर्स एग्जिस्टेंस, 15 लाख का खर्च और एनजीओ जो है उसको कमिटमेंट लेटर देना पड़ेगा। 80-20 का रेशियो फॉलो करेंगे, किस चीज के अंदर, कोर एक्टिविटी में एक्सपेंडिचर के अंदर एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के अंदर, और यहाँ पे यस आधार इज मैंडेटरी, ये हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर यूपीआई को लेकर देखा था, यूपीआई और पेनाओ, पेनाओ कहां से, जल्दी से बताएं। यूपीआई पेनाओ को लिंक किया जा रहा है आरबीआई एंड मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर जो है उसने यहां पर इसके बारे में बात करी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में गगनयान मिशन में मुझे बताएं जो ऑर्बिट था उसका नाम क्या था, क्या वो हाई अर्थ ऑर्बिट था या लो अर्थ ऑर्बिट था, प्लीज बताइएगा। इसमें मैन्ड अनमैन्ड दोनों तरीके के मिशन भेजे जाएंगे और 3 इंडियंस को स्पेस के अंदर इसमें भेजा जाने वाला है, लो अर्थ ऑर्बिट था, ध्यान रखिएगा, LEO। फिर हमारा डिस्कशन हुआ कोकोस को लेकर, कोकोस आइलैंड किसको बिलोंग करता है, इजी क्वेश्चन है, इंडियन ओशन में फॉल करता है, सुमात्रा आइलैंड के पास, एंड इट बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया। लास्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा था वो था महात्मा गांधी जी के बारे में, जल्दी से दोनों न्यूज़पेपर के नाम बताएं जो उनके द्वारा शुरू करे गए थे हिंदी भाषा के अंदर, बताएं। सो ही फाउंडेड दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा इन 1980, और जो न्यूज़पेपर जो उनके द्वारा दिए गए थे वो थे नवजीवन एंड हरिजन सेवक, हिंदी भाषा के अंदर। और यहां पर क्वेश्चन ऑफ द डे की बारी आती है, जो कि आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, कल आपको, फ्राइडे तो आज हो गया आपका, सैटरडे संडे को आपको क्या मिलने वाला है, सैटरडे संडे दोनों दिन आपको यूट्यूब के ऊपर सुबह 7 बजे मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, उसको जरूर लाइव सोल्व करिएगा बाकी स्टूडेंट्स के साथ, और वहां पर मैं आपको कट ऑफ जो है वो भी देने वाला हूँ, कितना कट ऑफ रहने वाला है, तो उन दोनों को सोल्व करिएगा। एंड इवन जो अभी डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया है वहां पर भी आपको ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर उसको सोल्व करके आप अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग को लीडर बोर्ड के थ्रू जान सकते हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है वो क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली एक ओपन एयर फर्नरी जो है इसे इनॉग्रेट किया जा रहा है, कहां पर किया जा रहा है, केरला, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश, जल्दी से मुझे आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि पुरानी चीज आप भूल तो नहीं रहे, इस चीज को एंश्योर किया जा सके। नाउ जो सेकेंड लेक्चर है इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज अपने मार्क्स लिख दीजिए, आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया है, टारगेट कितना भी रखा हो कोई बात नहीं, लेकिन स्कोर कितना है वो बताइएगा, क्योंकि धीरे धीरे अगर आप डेली बेसिस पे किसी भी चीज को प्रैक्टिस करते हैं, इट इज नॉट ओनली अबाउट MCQ, लाइफ में कोई भी चीज डेली बेसिस पे करेंगे तो उसमें डेफिनेटली जो प्रैक्टिस करने के बाद एक आपकी इंप्रूवमेंट है वो आपको देखने को मिलेगी। तो जल्दी से अपने मार्क्स को बिना शर्माए कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको इसकी PDF जो है वो मिल जाएगी। Please do like and share the video. Thanks for watching. Have a nice day. Take care. Goodbye.